अखिल भारतीय गौशाला संस्थान के युवा नेता सुनील शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुनील शर्मा जी, गौ माता है हमारी, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जो तस्करियां होती हैं उनको कैसे रोका जाएगा, जो बताएंगे सर जी डिटेल में। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में तस्करी के प्रयास जो कि काफी भारी मात्रा में किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उनको विफल भी किया जा रहा है। हम चोर चोर होता है, पुलिस पुलिस होती है, हमें हम लोगों को ये समझने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सराहनीय कार्य है, काफी हद तक तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया जाता है। इसके साथ ही संगठन के चार जिले कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर में जो उनकी टीमें काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, और युवा अध्यक्ष होने के नाते युवा टीमें भी रात को पुलिस के साथ सहयोग करती हैं और काफी हद तक प्रयासों को विफल करती है। लेकिन आज की समय में हम हिंदू भाइयों को, गौ माता को हम माता मानते हैं, उसके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम चुप हैं। हमें मिलके गौ मंत्रालय की मांग करनी चाहिए ताकि गौ मंत्रालय एक कानून बनाया जा सके, ताकि तस्करी जैसे प्रयास बंद होंगे, गौ माता को उत्पीड़न करने पर फांसी जैसा प्रावधान हो। हम इसकी सरकार से मांग करते हैं और भविष्य में जो शरारती तत्व ऐसे प्रयास करते हैं उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, अपने हरकतों से बाज आ जाए, अन्यथा आप लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और आप इसके लिए तैयार हैं। जो हमारी रास्ते में गाय माता होती है उनको भूखा रखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बछड़े मारे जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली क्या है कि इसमें भी हम लोगों में थोड़ी सी जागरूकता कम है। हम लोगों को ये संप्रयास समझना पड़ेगा कि हमारे अधिकांश हिंदू भाई एक चपाती या दो चपाती गौ माता को दे के ये समझ लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य का निर्वाह कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जैसे हमारी माता है जिन्होंने हमें जन्म दिया, वैसे ही हमारी गौ माता है। हमें इस संदर्भ में चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर हम गर्भ वाली माता के समान उनको सम्मान देंगे तो मुझे लगता है ऐसे केसेस भविष्य में सामने नहीं आएंगे। और डेयरी वाले जो कि गौ माता को दूध निकालने के उपरांत बाहर रोड पर छोड़ते, उन्हें भी मैं इस चैनल के माध्यम से एक कड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रयास कोई ना करें। अगर हमारे संदर्भ में कोई ऐसा प्रयास आएगा, गौ माता रोड पर मिलेगी घायल अवस्था में और पता लगेगा कि इस डेयरी वाले की है, तो हम कड़ी कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी हमें काफी सहयोग है, डॉक्टर विनोद शर्मा जी उनका मैं काफी आभारी हूँ, बहुत समय समय पर उनका सहयोग मिलता है। इसलिए डेयरी वालों को मैं एक कड़े शब्दों में चेतावनी देता हूँ, अगर द्वारा ऐसे प्रयास किए गए, गौ माता को बाहर छोड़ दिया गया और गौ माता हमें घायल अवस्था में कचरा खाते हुए मिली, तो आप लोगों के खिलाफ भी संगठन कड़ी कार्रवाई करेगा, इसके लिए आप तैयार हैं। धन्यवाद। सुनील शर्मा जी थे जिन्होंने अपने विचार रखे, ये सारा दृश्य अपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। जय हिंद।